नमस्कार, कैसे हैं आप सब। लगातार एक षड्यंत्र भारत के खिलाफ चल रहा है और जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक मोदी के खिलाफ षड्यंत्र करते करते षड्यंत्र कहां तक भारत के खिलाफ जाता है, वो कहां सीमा लांग जाता है कि अराजकता इस देश में फैला दिया जाए। और इसके लिए जब पप्पू और पिंकी फेल हो जाते हैं तो मनमोहन सिंह को उतार दिया जाता है। मनमोहन सिंह ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी कि वैक्सीनेशन के लिए 45 साल की उम्र सीमा क्यों बांधी गई। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक अराजकता वाला बयान दिया था कि वैक्सीनेशन हर उम्र के बच्चों को दिया जाना चाहिए, और यह कहा जाने लगा कि जो यूथ हैं सही मायने में घर की देखभाल वो कर रहे हैं, इसलिए युवाओं को सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाए। उसके बाद पूरी खैराती मीडिया कूद कूद करके कहने लगी, पूरे जितने भी ये वेव लड़ाके हैं वो ये सवाल करने लगे कि जब खुद के पास वैक्सीन ना हो तो फिर दूसरे देशों को वैक्सीन देने का ये षड्यंत्र क्या है, ये खेल क्या है। कमाल की बात ये है कि ये वही लोग थे कि जब वैक्सीन बनाया गया तो टोटी बाबू के लिए बयान देने लगे, अखिलेश बाबू के लिए ये बयान देने लगे कि जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि ये जो वैक्सीन है ये बीजेपी वैक्सीन है, ये मैं नहीं लगाऊंगा, ये हमारे समाजवादी नहीं लगाएंगे, जब समाजवादियों का वैक्सीन आएगा तब लगाया जाएगा। मुंह खोलते अखिलेश ने साबित कर दिया कि आईआईटी से इंजीनियरिंग, ऑस्ट्रेलिया से उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री में है क्या, और मुलायम सिंह ने अमर सिंह के मार्फत से ऑस्ट्रेलिया में जो नामांकन अखिलेश का कराया था तो क्या डिग्री लेकर क्या, मतलब देश के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित वो वैक्सीन जिसको लेकर के भारत को गर्व हो रहा था अपने वैज्ञानिकों को, इस तरह की भाषा कही जाने लगी। और अखिलेश के पक्ष में पूरी खैराती गैंग जो है वो लग गई और ये कहा कि ये वैक्सीन किसी काम का नहीं है। उसके बाद जब भारत के वैक्सीन की दुनिया भर में तारीफ होने लगी, वो कनाडा जिसने भारत में किसानों के नाम पर खालिस्तान आंदोलन को हवा देने की कोशिश किया, उस कनाडा का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि आपने हमारी जान बचाई, भारत ने कनाडा तक को वैक्सीन दिया। ब्राजील जैसे देश ने कहा कि भारत हमारे लिए हनुमान की संजीवनी लेकर के आया है जिससे ब्राजील की जान बचेगी। जब इस तरह की तारीफ मोदी की होने लगी तो खैरातियों ने कहना शुरू किया कि कनाडा तो भारत की, ये लेफ्ट लिबरल गिरोह ने कहना शुरू कर दिया कि कनाडा तो अमेरिका के बगल का देश है, अमेरिका से क्यों नहीं वैक्सीन लेगा, हमसे क्यों लेगा, चित भी मेरी पट भी मेरी। ये इसी वैक्सीन का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि यदि वैक्सीन इतना अच्छा है तो नरेंद्र मोदी खुद क्यों नहीं लगवा रहा है। ये तब की बात है जब यह तय किया गया था कि वैक्सीनेशन सबसे पहले फ्रंटलाइन वॉरियर को लगाया जाएगा, मतलब डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को, पत्रकारों को, जो फील्ड में आकर के लड़ रहे हैं इससे, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद ये जब तय किया गया तो फिर लोग सवाल करने लगे। मुझे याद है कि मुझे कई लोग कहते थे कि मोदी क्यों नहीं ले रहे हैं, हम इस पे क्यों भरोसा करें, इस वैक्सीन पे हम तो नहीं लेते, हम तो नहीं लेंगे वैक्सीन। जब मोदी ने ले लिया तो कहना शुरू किया अच्छा खुद ले लिया, निश्चिंत हो गए, 60 साल की उम्र के बहाने सबसे पहले खुद ले लिया। उसके बाद जब ये उम्र सीमा 45 कर दी गई तो कहा जाने लगा कि
45 क्यों, सबको क्यों नहीं दे रहे हैं? दरअसल ये बात इसलिए कही जाने लगी ताकि अराजकता फैलाया जा सके। और जब ये बात कही गई थी उस समय तक ऐसा लगने लगा था कि कोरोना पे कंट्रोल हो गया है। हम इस भ्रम में आ गए थे कि हमने कोरोना पर विजय पा लिया है, क्योंकि तो बहुत हद तक हमने कंट्रोल किया और भारत ने दिखाया कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया। दुनिया जब मोदी की पीठ थपथपा रही थी कि ऐसी विपदा में भारत जैसा देश, क्योंकि हम सब एक बेहतर समझते हैं कि भारत की तुलना दुनिया में किसी भी देश से नहीं हो सकती। हमारा पॉपुलेशन, हमारा भौगोलिक कंडीशन, ये हमारा जो है इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब दुनिया के दूसरे देशों से अलग था। जब ये सब कुछ हो रहा था और उसके बाद एकाएक कोरोना का की दूसरी लहर आई और इसने तबाही मचानी शुरू कर दी, जब सब कुछ ठीक था, केरल में चुनाव बहुत आसानी से हो गया था, वायनाड में पप्पू भाई लड़ भी आए थे, खूब प्रचार भी किया, लेकिन जब कंट्रोल से बाहर होने लगा चीजें तो कहां हुई उन राज्यों में? ये नहीं कह सकते राजनीतिक दृष्टि से कि वो राज्य ज्यादातर कांग्रेस शासित राज्य हैं, क्योंकि वो राज्य महाराष्ट्र था, वो राज्य छत्तीसगढ़ था, वो राज्य केरल था, वो राज्य पंजाब था, वो राज्य राजस्थान था। अब इन सब के बारे में पक्ष में एक तर्क ये दिया जा सकता है वो राज्य दिल्ली था, क्योंकि दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, ये सब ऐसे प्रदेश हैं जहां विदेश से डायरेक्ट लोग आते हैं, तो एक वाजिब सी कारण है कि इन राज्यों में का इफेक्टेड होना वाजिब कारण है। लेकिन इसको इग्नोर करना कि जिस ढंग से महाराष्ट्र ने किया महावसूली की सरकार बन करके, इस पर एक चुप्पी रही। लेकिन अभी हम चर्चा जिस चीज पे कर रहे हैं वो दिलचस्प ये है कि मार्च के पहले सप्ताह में भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने लगभग लगभग कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, और सचमुच ऐसा चीज, ऐसी बातें दिखने लगी थी मार्च तक। लेकिन ये सेकेंड वेव आया और इतनी तेजी से फैला कि खैरातियों को मौका मिल गया और वो बंगाल पे हमला करने लगे। कहते हैं ना कि जब विपदा आई तो सीधे खा जाओ, कोई ऐसा मौका नहीं कि रोज इसकी परीक्षा लो। और इतना हमलावर हो गए कि कहना शुरू किया कि हमने तो मंदिर के लिए आपने सरकार मांग बनाया था, तो ये अस्पताल कहां से मिल जाएगा? जब इतनी बड़ी संख्या में महामारी हो गई, स्थिति बेकाबू हो गई, तो इस तरह की बातें होने लगी। आज इन सब चिरकुटों ने कल्पना नहीं किया होगा कि एकाएक सरकार इस विपदा में, चूंकि जब आप परिस्थिति आपकी वैसी आ जाती है तो वहां फाइट करना पड़ता है, ये विपदा आई और विपदा में आज डॉक्टरों के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई और उस बैठक के बाद सरकार ने ये घोषणा किया कि 1 मई के बाद से 18 साल का, मतलब हर वो आदमी जो वोट देने का जिसका अधिकार है, हर किसी को वैक्सीन लगाया जाएगा। 18 साल से ज्यादा का हर वो व्यक्ति जिसे वैक्सीन लगाया जाएगा। ये सरकार का फैसला आते ही ये बेचैनी हो गई। सरकार का यही फैसला नहीं आया, मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी भी गई है, और मनमोहन सिंह की चिट्ठी जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखी है वो आप सबको, हम सबको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, और फिर ये देखा जाना चाहिए कि आखिर मनमोहन सिंह के मार्फत से प्रधानमंत्री मोदी को सोनिया गांधी ने चिट्ठी क्यों लिखवाई। आखिर इस कंडीशन में जब मनमोहन सिंह सही वाहिम में मायने में ये कहिए, तो उम्र उनकी ज्यादा हो चुकी हुई है, वो खुद से सब कुछ अब कर भी नहीं पाते हैं, बहुत अब उम्र की उनकी उम्र उम्र के साथ जो बीमारियां होती हैं वो उनके पास है, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उम्र के साथ की बीमारी है, उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी हुई है। और जिस समय वो प्रधानमंत्री के कुर्सी से पर थे उस समय भी आप यदि देखते होंगे तो उनके चलने का स्टाइल, उनका हर चीज, एक लगने लगा था कि उनके ऊपर उम्र जो है हावी हो चुकी हुई थी। आज 7 साल उन्हें कुर्सी छोड़े हुए हो गया। ऐसे भी कुर्सी की पीड़ा एक ऐसी होती है, सत्ता की ताकत ऐसी होती है, सत्ता का नशा ऐसा होता है, सत्ता की चमक ऐसी होती है कि बुढ़ापा भी गायब हो जाता है। मनमोहन सिंह को सत्ता गए 7 साल हो गए, और जब कभी भी वो पीएमओ में थे, पार्लियामेंट में या कहीं पर भी जब मनमोहन सिंह को आमने सामने से देखने का अवसर मिला बहुत क्लोजली, तो ये लगा कि सचमुच वो उस समय में भी बीमार थे और उस समय में भी वो शारीरिक रूप से बहुत, मतलब बहुत कह सकते हैं सुदृढ़ नहीं थे। आज मनमोहन सिंह की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो चिट्ठी लिखें और इन सब चीजों पर वो करें, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बावजूद मनमोहन सिंह से एक चिट्ठी लिखवाई गई है, क्यों?
क्योंकि कुछ भी हो जाए, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने वाले शख्स हैं, इसलिए क्योंकि मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत एक छवि ईमानदार की है पूरी पार्टी में, और एक ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जिसने भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व किया। मनमोहन सिंह जिसे कह सकते हैं कि एक ईमानदार, व्यक्तिगत रूप से एक ईमानदार व्यक्ति, लेकिन सबसे चोर, सबसे बेईमान टीम का मुखिया, जिसके राज में सबसे बड़ा देश का एक दो नहीं पांच घोटाले हुए, उस टीम का एक ईमानदार व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था, सो कॉल्ड ईमानदार व्यक्ति जो अपनी 800 कार में चलता है और एक अपनी एम्बेसडर में चलता है जिसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं, ऐसा कहा जाता है। रिजर्व बैंक का गवर्नर रहा, तमाम चीन मनमोहन सिंह के बारे में यही कहा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब कांग्रेस को यह लगता है कि पूरी तरह से साख खत्म हो चुकी हुई है, राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकलने का मतलब है कि आप नरेंद्र मोदी को वॉकओवर दे देना, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का कुछ बोलने का मतलब है कि जनता का गुस्सा आ जाना, यदि नरेंद्र मोदी पर लोगों को एक बार गुस्सा आए भी कि भाई दिल्ली बंगाल में जो है चुनावी रैली बंद हो जानी चाहिए, तो जो ही उसको लेकर के राहुल गांधी ने दिल्ली बंगाल में जाना जाने ना जाने की घोषणा की तो लोगों को लगने लगा कि ये ढोंग है, मोदी ठीक कर रहे हैं। ये कंडीशन जब कांग्रेस पार्टी की हो गई हो, कांग्रेस जब अपनी साख इस कदर तबाह कर चुकी हुई हो कि राहुल के बोलने का मतलब है कि बीजेपी को 1,00,000 वोट जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ जाना, एक संसदीय क्षेत्र में 1,00,000 वोट बढ़ जाना राहुल गांधी के मुंह खोलने का मतलब है, यही कारण है कि संभवतः वाम ने राहुल गांधी को कोलकाता बंगाल में आने ही नहीं दिया। एक बार वो आए बहुत जिद में, उसके बाद घोषणा कर दी कि हम नहीं जाएंगे। अब देखिए परिस्थितियां हर चीजें कराती हैं, यह फैसला किया गया है कि कोई भी चुनावी रैली जो होगी, अब कल से जो कोई भी चुनावी रैली होगी उसमें 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। अब सवाल इस चीज को देखिए कि यदि इस तरह की चीजें रोक दी जाएगी, यदि रैलियां और तुरंत सब कुछ खत्म हो जाएगा तो लोग वोट डालने नहीं आएंगे, जिसका आना जरूरी होता। या तो आप फिक्स कर लीजिए कि हाँ 5 फेज का चुनाव हुआ, बहुत अच्छी बात जो है, आज एक साथी ने किया था जब संजय दीक्षित जी के साथ लाइव में था कि डकोट लूज के आधार पर फैसला कर लिया जाए कि जब 5 फेज के चुनाव हो गए उसी के आधार पर मान लिया जाए कि 6ठे फेज, 7वें फेज और 8वें फेज में 1% जो है वो किस रूप में जो है वोटिंग होती, तो क्या चिरकुटों की टोली इस बात को मानेगी? या फिर दूसरा विकल्प यह है कि राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया जाए, क्या इसको माना जाएगा? सरकार ने आज इन चिरकुटों की बोलती बंद कर दी। एक तो यह हुआ कि 500 से ज्यादा किसी रैली में लोग नहीं भाग लेंगे तो एक डिस्टेंस कायम रहेगा, ये एक मैसेज के रूप में हो गया, हो रहा होगा कि रैली हो रही है, चुनाव का माहौल लगना चाहिए कि हम जीवन जी रहे हैं ताकि लोग वोट करने आए। आप यदि ये नहीं करेंगे, लोग वोट नहीं करने आएंगे तो वोटिंग कराने का कोई मतलब नहीं है, सुरक्षा बलों को रखने का कोई मतलब नहीं है। सरकार एक तरह से चुनाव आयोग का यह फैसला हुआ है कि 5% से 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। अब देखिए स्वास्थ्य मंत्री ने जब मार्च में इस बात के लिए कहा था कि हमने कोरोना पर कंट्रोल कर लिया है, फरवरी में संभवतः चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की, उस समय तक हालात ठीक थे, और हालात ठीक थे तभी बिहार में चुनाव ठीक ठाक हो गए थे, और चिरकुटों की टोली ने उस समय में तेजस्वी के भीड़ का खूब महिमा मंडन किया था, आयर बायर टायर इस तरह के जितने भी वेबसाइट हैं, और ये जो चिरकुटों की टोली है जो क्लियर हो चुकी हुई है, जिसके चैनल जो एक समय में जाकर के न्यूज रूम से अपने न्यूज रूम में जो सरकार का मनमोहन सरकार का जो मंत्रिमंडल जहां पर तय हुआ करता था, राडिया टेप की दलाली में जो चीजें सामने आई कि किस तरह से पत्रकारिता होती थी और किस तरह से राष्ट्रपति भवन में एक चैनल का उद्घाटन होता था, वो जो गोदी मीडिया के चिरकुटों की टोली, उनकी जो वो सब जो खलियर हो गया, आज देख रहे कोई मोजो लेके घूम रहा है, कोई सनसनीबाज सड़क पे करवटे मार रहा है, कोई इधर उधर, मतलब पूरी तरह से सबके सब खलियर हो चुके हुए हैं। ये सीन सबने हंगामा मचा दिया कि वैक्सीन कहां है। अब परत दर परत समझिए कि इन्हीं सब ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, इन्हीं सब ने कहा था कि वैक्सीन मोदी पहले क्यों नहीं लगाता है, जब मोदी ने लगाया तो क्या मोदी ने क्यों लगा लिया, फिर जब विदेश को जाने लगा तो विदेश को क्यों जा रहा है, विदेश को जब जाने लगा विदेश को क्यों जा रहा है, जब भारत में ये भारत की वैक्सीन की तारीफ होने लगी तो भारत की वैक्सीन क्यों कोई चूक लेगा, अमेरिका से क्यों नहीं लेगा, जापान से क्यों नहीं लेगा, चीन से क्यों नहीं लेगा, और जब ये ट्वीट करके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर ये कहने लगे कि हाँ भारत ने हमारी जिंदगी बचाई है
तब इनकी चुप्पी हुई। जब बांग्लादेश ने कहा कि हमारी जिंदगी बचाई है, जब पाकिस्तान ने गिरगिरा के कहा हमारी भी जिंदगी बचा दो, तब चिरकुटों की टोली की टायर से हवा निकल गई। अब देखिए कि आज दरअसल प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने फिर एक ऐसा फैसला किया है, इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, सरकार के प्रति गुस्सा आना चाहिए, मुझे भी आता है, मगर सामने जब राक्षसों को देखता हूं तो लगता है कि नहीं, आपके गुस्से का फायदा राक्षसों की टोली ना उठा ले, इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। तो जरा सा सबसे पहले हम और आप आज मनमोहन सिंह को कैसे जलील किया है, मनमोहन सिंह जैसे सज्जन आदमी जिसको माना जाता है उसको कैसे कांग्रेस ने जलील करवाया है, और कैसे आज हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखी है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने मनमोहन सिंह को, तो आप यदि उस चीज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्यों मनमोहन सिंह को इस तरह से जलील करवाया गया है। और आज धो धो करके दरअसल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी मनमोहन सिंह की तरफ से लिखी गई, मनमोहन सिंह क्या लिखे होंगे आप, मैंने आपको पीछे बता दिया कि मनमोहन सिंह किस कंडीशन में है, कि मनमोहन सिंह कितना चिट्ठी लिखे होंगे। दरअसल मनमोहन सिंह से चिट्ठी लिख करके एक मैसेज दिया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि ये क्या मजाक है, वैक्सीनेशन पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है, 45 साल की उम्र सीमा क्यों बांधी गई है, सबको क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो आज प्रधान कल लिखे मनमोहन सिंह की चिट्ठी का जवाब आज भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें दिया है और कहा कि ये जो वैश्विक महामारी की दूसरी लहर है और इस पर जो है कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, और कहा कि हम ये आपसे नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्य कितनी जिम्मेदार है इसके लिए, कोविड 19 की उपाय क्या है, चूंकि रविवार को 5 सवाल इन्होंने किए थे, तो हर्षवर्धन ने कहा कि कुछ कांग्रेस नेताओं के गैर जिम्मेदाराना सार्वजनिक बयानों के कारण कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नागरिकों और यहां तक कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों में टीकाकरण का स्तर राष्ट्रीय टीकाकरण के औसत से कम रहा है। ये प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री को संकेत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है, और 5 उपाय जो है उसको सुझाते हुए आगे उन्होंने कहा है कि पूरी चिट्ठी, ये देखिए ये चिट्ठी का जवाब जो है डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से दिया गया, होता है ना कि औकात बताया जाता है कई बार कि पीएम को चिट्ठी लिखा गया तो भाई स्वास्थ्य मंत्री देख रहा है, तो संबंधित जो कहते हैं ना कि कहां किसको चोट, जैसे केजरी हर बात में चिल्लाता था मोदी जी मोदी जी मोदी जी, तो केजरी को लगता था कि मोदी जी मोदी को गाली देकर बड़ा हो जाएगा, मोदी ने आज तक केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया तो बड़ा बनने ही नहीं दिया, ये बीमारी सबको होने लगी कि हम मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कुल संख्या तो नहीं देखना चाहिए बल्कि, अच्छा उसके बाद उन्होंने हर्षवर्धन ने कहा कि आप यह मानते हैं कि टीका, हर्षवर्धन ने डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखा कि आप यह मानते हैं कि टीका कोरोना महामारी से लड़ाई में बहुत अहम है, लेकिन यह दुख की बात है कि आपकी पार्टी में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आपकी ही राय से सहमत नहीं दिखाई देते। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2-3 बार लिखा है कि दुख होता है कि आपके जैसे सम्माननीय नेता की बात आपकी पार्टी में नहीं मानी जाती है, तो यह दरअसल मैसेज दिया गया है कि आपसे चिट्ठी क्यों लिखवाई गई है जब आपकी बात आपके पार्टी में कोई नहीं मानता। और बेचारे प्रधानमंत्री जी की तो हैसियत यह रही कि उनके खुद के संजय बारू ने किताब में अपनी लिखा कि किस तरह से जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव की बॉडी दिल्ली में घूम रही थी अशोक अकबर रोड के आसपास कि किस तरह से कांग्रेस मुख्यालय में लाया जाए, भारत के प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह इतने लचर थे कि अपने गुरु नरसिंह राव की बॉडी को कांग्रेस मुख्यालय में एंट्री नहीं करवा सके। भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और तरफ तरफ के रह गए उनके खुद के जो मीडिया एडवाइजर थे, उन्होंने इस बात को चिट्ठी लिखी। तो मनमोहन सिंह की सत्ता में रह करके सरकार में रह कर सरकार के सोनिया गांधी की सरकार के मुखिया होकर के भी मनमोहन सिंह का कद कैसा था ये उनके मीडिया एडवाइजर ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने राजनीतिक गुरु 5 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे नरसिंह राव, उनकी बॉडी कांग्रेस मुख्यालय पे खड़ी रही और सोनिया गांधी से एंट्री नहीं मिली, इजाजत नहीं मिली तो बॉडी अंदर नहीं आ पाई। कांग्रेस के नेता
अध्यक्ष रहे नरसिम्हा राव को वो सम्मान नहीं मिल पाया, कांग्रेस का ध्वज जो है उनके ऊपर नहीं लग पाया, कांग्रेस मुख्यालय में उनकी बॉडी नहीं जा पाई। मनमोहन सिंह की इतनी औकात थी उस समय भी, इस बात को दूसरे ने नहीं उनके खुद के मीडिया एडवाइजर ने अपनी किताब में लिखा, जो जिसपे एक फिल्म भी बनकर के आ चुकी हुई है और आप सबने वो फिल्म देखी होगी। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने एक बात पर खेद व्यक्त किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ऐसी कठिन परिस्थिति में टीका बनाकर दुनिया के सशक्त बनाने वाले वैज्ञानिकों और विनिर्माताओं के सम्मान में एक शब्द भी नहीं कहा। मतलब ये नहीं कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतना बढ़िया किया, उन्होंने कहा वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा करने की बात तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस नेताओं ने, राज्य की कांग्रेस सरकारों ने वैक्सीन के अभाव को लेकर झूठी खबरें फैलाने में दिलचस्पी दिखाई। इसी से लगता है कि क्या अराजकता फैलाने का षड्यंत्र था क्या? इस तरह के टीका को लेकर के लोगों के मत में हिचक पैदा की गई और इससे लोगों की जिंदगी से खेला गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में आगे कहा, आप एक मौजूदा मुख्यमंत्री, आपके एक मौजूदा मुख्यमंत्री, कितनी जलीलत जलालत की बात है, बेचारे को बुजुर्ग इस कंडीशन में जो है उनको करवाया गया है, आपके एक मौजूदा मुख्यमंत्री ने तो भ्रम फैलाने के मामले में एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाला, और वे किसी प्रकार के अकेले ऐसे मुखिया हैं जो सीधे तौर पर देश में बने टीके के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो सार्वजनिक रूप से टीके की निंदा की और अकेले में ही यह वैक्सीन ले ली। ये सीधे सीधे आरोप मनमोहन सिंह के बॉस पर लगा दी गई। कौन थी मनमोहन सिंह की बॉस? बहुत उन्होंने देखिए कि नाम नहीं खोला, लेकिन आप समझ जाइए कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो सार्वजनिक तौर पर टीके की निंदा की और अकेले में यही वैक्सीन ले ली। अब कितना जलील किया गया है देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को, क्योंकि कहा गया कि आपको पता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस वैक्सीन के लिए क्या कहा था। अब ये लोग जिन्होंने इस वैक्सीन को लेने से मना कर दिया, ये लोग जिन्होंने इतना बदनाम किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो अपने राज्य में भी चलाने नहीं दिया, अब वो लोग जब देश में कोहराम मचने लगा, जब देश में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, तो ये प्रेशराइज करने लगे। मतलब पहले तो जनता के अंदर ये भ्रम डालो कि वैक्सीन खराब है, ये वैक्सीन लेना मत, मर जाओगे। और जब वैक्सीनेशन की मांग, जब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, तो कहा कि वैक्सीन के 45 वर्ष की उम्र क्यों रखे हुए, अराजकता क्यों है, ये केजरी समेत सबने कहना शुरू कर दिया। और इसीलिए देश के स्वास्थ्य मंत्री ने याद दिलाया मनमोहन सिंह को कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के मुख्यमंत्री ने इस वैक्सीन के लिए क्या क्या नहीं कहा कि वैक्सीन बेकार है, हम नहीं लेंगे। और उसके बाद ये भी गिना दिया, आप समझ सकते हैं कि किसके लिए कहा, कि चुपके से वैक्सीन ले ली और पता भी नहीं चलने दिया। और आज देखिए कि अभी शाम तक इसी चीज को लेकर के, अब महाराष्ट्र इतना फेल है, अब उस राज्य का वो जो बरबोला संजय राउत है उनने और वो नवाब मलिक, ये दोनों कह रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ वैक्सीन लेकर के फोटो खिंचवा रही है। अब फोटो यदि नहीं खिंचवाते तो कहते प्रधानमंत्री ने फोटो लिया ही नहीं, वैक्सीन लिया ही नहीं प्रधानमंत्री ने, तो चित भी मेरी पत भी मिली की जो ये राक्षसी अराजकता वाला है, इसी को सचेत करने की मैं अक्सर कोशिश करता हूं। और फिर इसीलिए मुझे लगा कि इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए, वरना आज रात में था इच्छा थी कि आज विश्लेषण ना करूं, मतलब चूंकि तीन बार हो चुका हुआ था, आज दिन भर जो है मुझे लगता है कि शो इस रूप में हो चुके हुए थे, तो मुझे लगा कि छोड़ दे, फिर लगा कि नहीं, ये षड्यंत्र के खेल आपको थोड़ा सा समझाना, थोड़ा सा समझना हम सबको जरूरी है कि क्यों भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने मनमोहन सिंह को यह चिट्ठी लिखी और इतनी जलालत क्यों करवाई कांग्रेस ने कि राज्य कांग्रेस राज्य के मुखिया कहते हैं कई राज्य के मुख्यमंत्री की वैक्सीन लगाना नहीं चाहिए, लगाना मत, ये बेकार है, ये मतलब वैज्ञानिकों का अपमान करते हैं। और ये बात सब हर्षवर्धन ने कह दी, मतलब कहते हैं ना कि एकदम से ले लेना, वो वाली बात हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सकारात्मक सहयोग को लेकर आपके सुझाव को देखते हुए मैं मान लेता हूं कि आप उन्हें सुझाव आपने उन्हें सुझाव दिया होगा, मतलब थोड़ा सा वरिष्ठ हैं, मनमोहन सिंह की इज्जत की जा रही है, भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर रखे बैठे हुए रहे हैं कई दो बार लगातार, ऐसा अवसर किसे मिलता है कि पांच पांच साल दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुखिया रहे मनमोहन सिंह। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को केवल कुल संख्या को नहीं देखना चाहिए। अब दरअसल इस पूरी चीज में जो मनमोहन सिंह की चिट्ठी में जो कांग्रेस की जो साजिश थी वो ये थी कि मुझे ये मत गिनाइएगा कि कितने लोगों को वैक्सीन दी गई,
मुझे ये गिनाइएगा कि कितने परसेंट को दी गई। अब इस षड्यंत्र को समझिए, क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ, मतलब माना यह जा रहा है कि पूरे अमेरिका और यूरोप, अमेरिका महादेश और यूरोप महादेश, इन दोनों महादेशों की जो कुल पॉपुलेशन, जितने लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, उससे ज्यादा अकेले भारत में वैक्सीनेशन हो गया। तो इसीलिए मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे संख्या मत बताइएगा, परसेंटेज बताइएगा, क्योंकि चाइना का तो कुछ भी आता नहीं बाहर, पॉपुलेशन में भारत की जनसंख्या इतनी है कि एक तरफ भारत कर दीजिए, चाइना को यदि अलग करके रखिए, उसकी गिनती ना कीजिए, तो एक तरफ भारत रख दीजिए, एक तरफ शेष दुनिया रख दीजिए, बात बराबर है पॉपुलेशन की, एक तरह से एकदम बराबर है। तो अब आप सोचिए कि कैसा खेला है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुझे संख्या बल मत बताइए, परसेंटेज बताइए, क्योंकि इन्हें पता है कि संख्या में आप दुनिया को किस तरह से लीड कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का एक तरह से वैक्सीनेशन बराबर कर लीजिए और भारत का कर दीजिए। तो इस षड्यंत्र की दरअसल हवा निकालने की, ये दरअसल ये खेला इसलिए था कि कांग्रेस की जो पूरी खैराती टीम है इसी अराजकता में लगी हुई थी, जिसका जवाब डॉक्टर हर्षवर्धन को देना पड़ा। अब प्रधानमंत्री क्यों देते, तो हर्षवर्धन को दिलवाया गया कि वो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा, पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी द्वारा फैलाई गई है नकारात्मकता, बड़ा गौर से सुनिएगा इसे, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि पूरे सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि आपकी पार्टी द्वारा फैलाई गई यही जा रही नकारात्मकता के बावजूद हम सुझाव पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। कहा कि आप नकारात्मकता फैला रहे हैं, आप लोग आप घटिया खेल खेल रहे हैं, फिर भी हम आपके सुझाव पर ध्यान दे रहे हैं, या मानते हैं कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए दिया गया होगा। मतलब ये कहते ना कि मार करके सहला देना, कि हम ये मानते हैं कि आप ये षड्यंत्र तो कर रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ये राष्ट्रहित में हुआ होगा ये, क्योंकि देश का पूर्व प्रधानमंत्री इस तरह से क्यों कर सकता है। अब किस लेवल तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को जलील करवाया कांग्रेस ने, उन्होंने कहा कि हालांकि जिन लोगों ने आपका पत्र तैयार किया या आपको सलाह दी, उन लोगों ने आपको गुमराह करने में आपकी साख को नुकसान पहुंचाया है। ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक और बड़ी लाइन लिखी कि जिन लोगों ने आपकी चिट्ठी लिखी, जैसे मैंने कहा ना कि वो ऐसे भी तो इस पद पे लोग चिट्ठी खुद से तो नहीं लिखते हैं, मगर फिर भी ड्राफ्टिंग और इन सब चीजों को देखते हैं, कि जिन लोगों ने आपकी चिट्ठी लिखी या आपको सलाह दी, उन लोगों ने आपको गुमराह करने में आपकी साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि आपने कोविड महामारी के से लड़ाई में टीकाकरण अभियान पर जोर दिया, जिसे हम जानते हैं, इसलिए हमने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया है। अब आप इस पूरी प्रकरण के बाद मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे इस तरह से इनकी जलालत जो है, इनकी स्थिति इस कंडीशन तक इनकी हुई, और अलग अलग अखबारों ने अपने अपने ढंग से इसे छापा है। और ये मनमोहन सिंह की चिट्ठी वाला जो है, ये डियर प्राइम मिनिस्टर, ये जो उन्होंने मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब आज उन्होंने दिया है, पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह की चिट्ठी जो पीएम को लिखी गई थी उसका इन्होंने जवाब दिया। अब इस पूरी प्रक्रिया से आप समझ गए होंगे कि मनमोहन सिंह को भी जलील करने में किसी ढंग से छोड़ा नहीं गया। ये सब चीज इसलिए जरूरी था कि ये समझना जरूरी है कि देश में विपदा बहुत बड़ी है, समस्या है, लेकिन हमें सचेत होना है उन राक्षसों को लेकर के जो भारत के खिलाफ निरंतर साजिश कर रहे हैं। फिर से कंक्लूड करते हुए कह रहा हूं कि देखिए, ये वही है जिसने कहा था भारत के वैक्सीन को कि ये तो फुसफास है, ये क्या भारत का वैक्सीन बनाएगा। ये वही है जब भारत के वैक्सीन को ब्राजील से लेकर कनाडा से लेकर दुनिया ने पागल बनी कि हमें चाहिए, हमें दो, हमें दो, हमें दो, और भारत ने लगभग लगभग हर उस देश तक पहुंचाने की कोशिश की, मानवता का जो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत है उसके हिसाब से, जब दुनिया को देने लगे तो कहा कि नहीं, कनाडा क्यों लेगा आपसे, अमेरिका से क्यों नहीं लेगा, पहले का प्रधानमंत्री क्यों नहीं लेते, प्रधानमंत्री ने लिया तो कहा प्रधानमंत्री क्यों लेते हैं। तो इसलिए इनके समझ से आप समझ में आ रहा होगा कि इनका षड्यंत्र लेवल क्या है। ये षड्यंत्र करते रहेंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि जब अपने लोग भी इन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के शिकार हो जाते हैं। हाँ सही बात है, मोदी रैली क्यों कर रहे हैं,
ये यही चाहते हैं, और इसी में जब आप इसके शिकार हो जाते हैं तो फिर इन राक्षसों का प्रभाव शुरू हो जाता है। इसीलिए समझिए कि क्यों मनमोहन सिंह जो इस तरह से अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, मैंने बार बार कहा कि उम्र उनकी अच्छी खासी हो चुकी हुई है, कई तरह की परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति हर किसी का सम्मान होता है कि व्यक्तिगत रूप से एक बेहतर इंसान कहा जाता है, मगर सवाल ये कि अपनी राजनीतिक गुरु के प्रति उनका कितना सम्मान रहा, और खुद ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए मनमोहन सिंह भारत के अब तक के इतिहास में सबसे बड़े भ्रष्ट सरकार के मुखिया रहे। तो आज जब कहते हैं ना कभी तो बगावत करना चाहिए, कभी तो जीतन राम मांझी बन जाना चाहिए मनमोहन सिंह को। मुझे जीतन राम मांझी इसीलिए अच्छे लगते हैं कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर सोचा कुछ रहा होगा, लेकिन जीतन राम मांझी का आत्मसम्मान भी कभी डिगा तो मनमोहन सिंह इतना जलील होने पर भी कभी क्या उनका आत्मसम्मान नहीं डिगा होगा क्या, कि आपको जब मर्जी वो चीजें की चिट्ठी लिखाई जाती है। और आज पूर्व प्रधानमंत्री को जिस ढंग से लिख करके चिट्ठी लिख करके मनमोहन डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया वो सचमुच दुखद है, और ये दिखाता है कि किस तरह का षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। किशोर जी कह रहे मनीष जी आज तो व्हाट्सएप मोदी जी पर नकारात्मक विचारों से भरा पड़ा है, कभी कभी तो लगता है कि इतनी बड़ी आजादी तो हमें हमारे खुद के घर में समाज में भी नहीं होती है। और इसीलिए ट्विटर पे भी चल रहा है मोदी इस्तीफा दो, मोदी ये दो, मोदी वो दो, मतलब ताकि इनके पप्पू को कुर्सी दे दो, इनके चंपू को दे दो, लालू पुत्र को दे दो, नौ जो सातवीं पास पांचवीं फेल को दे दो, बस इसी एजेंडे पे हैं। इसीलिए इनके षड्यंत्र को समझना है पूरे। आप व्हाट्सएप को तो छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप तो है ही है, ट्विटर पे सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है मोदी इस्तीफा दो। दरअसल इसीलिए क्योंकि आप देखे होंगे कि सो कॉल जो राष्ट्रवादी खिलंदर हैं वो भी कहने लगे महाराष्ट्र बंगाल में चुनाव में क्यों जा रहे हैं मोदी, तो क्या करना चाहिए, ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। ममता तो इस तरह के कोरोना से भी बड़ी खिलंदर है। तो अब आगे आगे देखते जाइए इन सबको। आज 18 साल वाला जो कर दिया काम, वो कम से कम आपकी विदेश नीति ऐसी है ठीक है कि आप ये इंडियन वैक्सीन के अलावा आपको बाहर से वैक्सीन मंगाना पड़ रहा है, और ये तय किया गया कि 1 मई तक सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ही सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये जो अराजकता फैलाने का षड्यंत्र है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी हमें भरोसा देना है, जिसे हमने चुना है उसके प्रति सबसे हमारी सुरक्षा का, हमारे जान माल की सुरक्षा का, रोजगार का, ये 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 क्रमबद्ध रूप से सरकार की जिम्मेदारी है। और जो सरकार ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, कल्पना कीजिए ये विपदा ईश्वर ने ऐसा किया कि उस दौर में नहीं आया जब मनमोहनी सरकार थी, जब लूट की सरकार थी, खैरातियों को पालने वाली की सरकार के दौर में विपदा यदि भारत में आया होता तो दूसरे देशों की तरह त्राहिमाम होता, क्योंकि भारत की तुलना दूसरे देशों से नहीं की जा सकती। हमारा जो जनसंख्या का घनत्व है, हमारा जो भौगोलिक स्थिति है, हमारा जो आर्थिक कंडीशन है, उसमें इन विपरीत इन परिस्थितियों में जो फाइटर की भूमिका भारत ने निभाई है, उसके बाद भी जो पिछले 10 दिनों में जो खेल हुआ है, उस षड्यंत्र को समझने के लिए आज मोदी सरकार के फैसले को समझना बहुत जरूरी है। चलिए इस विश्लेषण को अब यहीं विराम देते हैं। रमेश पटेल जी कह रहे हैं कि आपको भी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। चलिए जब समय आएगा तो, अब तो खैर 18 साल कर दिया गया तो इस उम्र में तो सबके सब आ जाएंगे। तो और डकवर्थ लुईस के हिसाब से नंदीग्राम जीतना पड़ेगा, नंदीग्राम में तो फैसला आ गया साहब, अब नंदीग्राम का कुछ बचा नहीं है। अजीत जी कह रहे हैं कुछ लोगों के सवाल ले लूं फिर इसे बंद ही कर देता हूं अभी। कांग्रेस और खैराती पत्रकार आज तक पचा नहीं पा रहे हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया। ये सिर्फ चाय वाला, हाँ जो आपको आदत होती है मालिक दूसरे ढंग से मालिक की सेवा करने की, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस यहां पर खैरात की उम्मीद का खात्मा हो गया है, और जिनको उम्मीद इसी चीजों में है रही है कि हम राष्ट्रपति भवन में चैनल चलाएंगे, हम दूसरा देखिए किस तरह से धनाधन चैनल लाते थे, आज स्थिति यह है कि अपने पत्रकारों को सैलरी नहीं दे पा रहे, और हर दिन नए नए चैनल लाते थे और राष्ट्रपति भवन में उसका उद्घाटन करते थे। तो आप जेम्स जैसे जंबो का खेल होते हुए देखा होगा आपने, और इसीलिए चलिए मुझे लगता है कि इस विश्लेषण को अब हम यहीं इसे विराम दे दिया जाए। कांग्रेस ने खैराती पत्रकारों पर चाहिए तो खैर ले लिया था।
जब मोदी के नेतृत्व में भारत आदर्श बना रहेगा, इसके शासन में भारत आदर्श बना रहेगा, अरे चिटकुट बंगाल बची तो 144 सीटों पर डकवर्थ लुईस नियम लागू कर देगा क्या? नहीं, अब तो खैर चुनाव मुझे लगता है कि चुनाव जो है अब पूरे पूरे मुझे लग रहा है कि छठे और सातवें राउंड और आठवें राउंड में हो ही जाएंगे। अब ये दिन कहते ना कि ये दिन भी निकल जाएगा, तो देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।